गाइस स्वागत है आपका चैनल टीवी विक्रांत में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस जैसे कि आपको मालूम है कि नवरात्रे चल रहे हैं और साथ में मेरा आलिम भाई कैसे हो? क्या हाल है? आज मैं भी जा रहा हूँ मंदिर का एक्सपीरियंस लेने। कैसा यहाँ पे दुबई में कैसा सीन देखने को? तो गाइस एक्सपीरियंस ये है कि आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और लाइन से लोग जा रहे हैं। और आज तो फ्राइडे नवरात्रि का दूसरा दिन, तो हमने कहा बड़ दुबई आए हैं तो चले जाए। काफ़ी अच्छी शांति बनी हुई है। हाँ, लाइन भी चल रही है। लाइन भी चलते रहो तो काफी जल्दी हम काफी आगे तक पहुंच चुके हैं। बहुत है, पसीना पहुंचते हुए चल रहे। और गाइस यहाँ के आज सामने आप देख सकते हैं ये मस्जिद है और ये मंदिर की भीड़ आप देख सकते हैं गाइस। और हम लोग को जाना है उस तरफ डायरेक्ट। ये एंट्री है गाइस। जय माता दी। तो आप देख सकते हैं जो सामने का व्यू है लाइट का, ये आपका डेरा है और इस तरफ हम हैं अभी बड़ दुबई में। तो गाइस हम एंट्री कर रहे हैं एंट्री नंबर 4 से, बैक साइड से। जब भी भीड़ होती है तो मंदिर के बैक साइड से एंट्री करवाते हैं। और गाइस इतना टाइम भी नहीं कि हम वीडियो आपको आराम से बना के दिखाएं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में लोग अंदर जा रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है और टाइमिंग के रहते ही हमको मंदिर में दर्शन करने हैं। और क्योंकि बहुत लोग दर्शन करने वाले हैं और दुबई में मंदिर सिर्फ एक ही है और एक गुरुद्वारा है जबल अली में। इधर मंदिर भी है गुरुद्वारा भी है। मंदिर का किचन है और यहाँ पे आपका प्रसाद बनता है। आपके पास अपनी गाड़ी है या फिर रूम छोटा है तो आप ऐसी छोटी मूर्ति भी ले सकते हैं। यहाँ पर कन्हैया जी भी देखने को मिल जाते हैं भाई। अगर अपने रूम में रखना चाहें, हाँ रूम रखना चाहें तो अगर आपका रूम छोटा है तो आपको छोटा मंदिर मिल जाता है। और यहाँ पे गाइस आपको साइज़ के हिसाब से मंदिर देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप थोड़े महंगे पे जाते हैं तो आपको ऐसे लकड़ी के भी मिल जाते हैं। गाइस मैं आपको कहना चाहूँगा कि दुबई में कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका जो रिलीजन है आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। जो भी चीज़ हमारे इंडिया में मिलती है पूजा पाठ के लिए वो आपको सब यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। हर एक चीज़ आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मालाएं हैं, रुद्राक्ष की माला है। तो गाइस कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे जाके दशहरा और दिवाली आने वाला है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे दशहरा और दिवाली कैसे मनाते हैं और क्या क्या सामान आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाहर प्रसाद बांट रहे हैं और प्रसाद लेते हैं अपना। तो हमने अपना प्रसाद ले लिया और कोने में जाके वहाँ पूरी बात खत्म करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा इस वीडियो को शेयर करें, आप इतना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि गाइस बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि यहाँ पे हिंदू को तकलीफ होती है यूएई में काम करने के लिए, दुबई में जॉब करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं आपको अपनी वीडियो से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी फ्रीडम है। मैं खुद एक हिंदू हूँ गाइस, आप देख सकते हैं मैं आराम से मंदिर गया, यहाँ पे सब कुछ आपको पूजा पाठ का सामान मिलता है। ठीक है गाइस, यहाँ मंदिर है और सामने आप देख सकते हैं मस्जिद है, तो आपको यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है जब तक आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। आपको कानून के दायरे में रह के यहाँ पे काम करना है। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि यहाँ हो रहा है बहुत अच्छा नज़ारा। आप मेरी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, हमने डेरा एक्सप्लोर किया, उससे पहले हमने बड़ दुबई एक्सप्लोर किया। तो गाइस ये है लाइफ दुबई की और आज है फ्राइडे। देखिए गाइस सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सब लोग जॉब में के टाइम में जॉब करते हैं और इन्जॉय के टाइम में इन्जॉय। तो गाइस इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रा। मैं कामना करता हूँ आप सबकी इच्छाएँ सफल हो और जो लोग दुबई आना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी दुबई आ सके और आपके लिए हमें सक्सेस मिले। ठीक है गाइस, मैं सबके लिए कामना करना चाहूँगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, एक दमदार वीडियो में। और बहुत जल्द हम ट्राई करेंगे कि हम दशहरे और दिवाली की वीडियो बनाएं और आपको दिखाएं कि हम दुबई में कैसे सेलिब्रेट करते हैं।
तब तक के चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय माता दी।